नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में, किस प्रकार से आपको कल 28 दिसंबर को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल हमारे मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो किस प्रकार से इसको ट्रेड करना चाहिए और इसको हम देखेंगे किस प्रकार से आपको कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आज की हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 ने जो आज हमारा क्लोजिंग दी है वो लगभग 213 पॉइंट की क्लोजिंग दी है, जिसमें कि 1% तेज़ी देखी गई है निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 557 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोज़ किया है, जिसमें कि 1.17% इसने रिटर्न दिया है, मतलब तेज़ी देखी गई है हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। तो देखते हैं सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को किस प्रकार से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए कल के दिन, और किस प्रकार से आप कहाँ पर ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो हमारे बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने जो आज ऑल टाइम हाई लगाया है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने आपको कल भी बताया था कि यह लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इस लेवल को क्रॉस करके हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोज नहीं देता है या फिर क्लोजिंग नहीं होती है बैंक निफ्टी की, तब तक हमें कोई बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आज हमारा बैंक निफ्टी ने इसने नया हायर हाई लगाते हुए बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ क्लोज किया है, और अगर कल बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर की तरफ ओपन होता है तो हमें वापस से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आज हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड किया है उसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, लगभग 1.17% इसने तेज़ी दिखाई है, जो कि हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और कई लोग आज पुट ऑप्शन राइट करके गए होंगे और कई लोग कॉल ऑप्शन में अपनी बाइंग बना के पोजिशन बना के गए होंगे इसमें होल्ड करके। और कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो यह लेवल है जो ऑल टाइम हाई था, पहला हमारा ऑल टाइम हाई था, और जो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो 48,000 यह लेवल था। 48,150-160 का यह लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोज़ किया है। और अगर हमारा बैंक निफ्टी कल वापस से इसी लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो हमें वापस से अच्छा मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर कल बैंक निफ्टी हमारा इसी लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो हो सकता है वापस से एक बार नीचे की तरफ आए और वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, लेकिन यह लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा अब, क्योंकि यह रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। और अगर कल हमारा बैंक निफ्टी इसी लेवल के नीचे की तरफ ओपन होता है तो यही लेवल वापस से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि जब तक इस लेवल के और ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है और इधर पर जब तक कोई फॉर्मेशन नहीं बनाता है इधर पे और हायर हाई नहीं लगाता, तब तक हमें बैंक निफ्टी में अभी देखना पड़ेगा किस प्रकार से ट्रेड करता है हमारा बैंक निफ्टी। अगर कल इस लेवल के नीचे की तरफ कहीं पे ओपन होता है तो हमें वापस से यह लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है हमारा बैंक निफ्टी, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें वापस से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और हमारा नया हायर हाई लगाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रांजेक्शन फॉर्म करता है, तो आप इसको लॉन्ग जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 को किस प्रकार से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे निफ्टी 50 के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हमारा निफ्टी 50 डेली इसी ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गया है, और इसने भी आज हमारा जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया है लगभग 21,670 का लेवल इसने हाई लगाया है, और अच्छी खासे लेवल पर जाके इसने क्लोज़ किया है। और जो कि निफ्टी 50 ने हमारा 1% तेज़ी दिखाई है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अब हमारे निफ्टी 50 के लिए जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा लेवल वो यही लेवल है, जिस लेवल पे इसने एक रेजिस्टेंस दिख रहा था हमारे निफ्टी 50 में, यही लेवल एक अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,580 का 90 का लेवल, यह रेंज का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमारे निफ्टी 50 के लिए काम करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर कल निफ्टी 50 हमारा इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है तो हमें वापस से एक ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे की तरफ ओपन होता है तो हमें यह लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर कल इसी लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होता हमारा निफ्टी 50 तो हमें वापस से एक नया हायर हाई लगता हुआ दिखेगा निफ्टी 50 में। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं कल। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।